व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा, पत्नी द्वारा तलाक दिए जाने के बाद अब आपको घर का काम करने में बहुत तकलीफ रहती होगी। मित्र ने कहा, नहीं, अब तो मैं ज़्यादा सुखी हूँ, क्योंकि पहले मुझे दो लोगों का काम करना पड़ता था और अब एक का ही करना पड़ता है। संता बंता से बोला, और सुना यार, बीवी से झगड़ा खत्म हुआ या नहीं? बंता बोला, अबे घुटनों पर चलकर आई थी मेरे पास, घुटनों पर। संता बोला, क्या बात कर रहा है, सच में? बंता बोला, और नहीं तो क्या। संता बोला, फिर क्या बोली? बंता बोला, बोली बेड के नीचे से बाहर आ जाओ, पक्का अब नहीं मारूंगी। दो बच्चे बातें कर रहे थे। चुन्नू बोला, बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं मेरे पिताजी, वे जब सितार बजाते हैं तब सैकड़ों आदमी पत्थर की तरह बैठे रह जाते हैं। मुन्नू बोला, मेरे पिताजी के बजाने में और ही बात है, हजारों आदमी काम छोड़कर चलने लगते हैं। चुन्नू बोला, अच्छा वे क्या बजाते हैं? मुन्नू बोला, छुट्टी के समय मील का बोपू। एक बालक जिद पर अड़ गया, बोला कि छिपकली खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलाया गया, वे जिद तुड़वाने में महारथी थे। गुरु के आदेश पर एक छिपकली पकड़वाई गई, उसे प्लेट में परोस बालक के सामने रख गुरु बोले, ले खा। बालक मचल गया, बोला तली हुई खाऊंगा। गुरु ने छिपकली तलवाई और दहाड़े, ले अब चुपचाप खा। बालक फिर गुलाटी मार गया और बोला, आधी खाऊंगा। छिपकली के दो टुकड़े किए गए। बालक गुरु से बोला, पहले आप खाओ। गुरु ने आंख नाक और भी न जाने क्या क्या भींच कर किसी तरह आधी छिपकली निगली। गुरु के छिपकली निगलते ही बालक दाड़ मार कर रोने लगा और बोला, आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मैंने खाना था। गुरु ने धोती संभाली और वहाँ से भाग निकले कि अब जरा भी यहाँ रुका तो ये दुष्ट दूसरा टुकड़ा भी खिला कर मानेगा। एक कुंवारी लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो सहेली ने उससे पूछा, किसका है ये बच्चा? लड़की ने जवाब दिया, थोड़ा थोड़ा रिचार्ज करवाती थी, पता नहीं किसने लाइफ टाइम वाउचर डाल दिया।